Hi guys, what's up? Welcome back to my channel and welcome to the another vlog. So, आज है 1st December and जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे ब्रदर की engagement है, so उसके लिए तैयारी start हो गई है, मेहंदी लगाई जा रही है आज ही. तो मैं आज ही मेहंदी लगा रही हूँ बिकॉज ना मुझे उसके बाद नेल्स भी लगवाने हैं मेरे ब्रदर से. तो उसने बोला कि पहले मेहंदी लगवा लेती थी, देन उसके बाद ना मैं नेल्स लगा दूंगा. तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एटलीस्ट एक काम से तो फ्री हो यार. तो मेहंदी मैं आज ही लगा रही हूँ और क्योंकि दहरे की थोड़ी तबीयत अप डाउन चल रही है उसको, यू नो विंटर का सीजन है, छोटा बच्चा है तो ज्यादा ना बच्चों को जल्दी सर्दी लग जाती है. तो उसको कोल्ड हो रखा है, कफ रखा है, तो इसकी वजह से भी अभी क्योंकि दिन का टाइम है तो मैं सोचू अभी मैं पहले मेहंदी लगा के मैं फ्री हो जाऊँ, तो उसके बाद मैं उसको आराम से देखी. तो इतनी मेहंदी लग चुकी है, एक हाथ में लग रही है वैसे एंड अभी दूसरे हाथ में लग रही है, तो उसके बाद बैक साइड में भी लगेगी. इतनी मेहंदी लगवा रही हूँ बिकॉज मेरा जो ब्लाउज है ना, बिकॉज आई एम वेयरिंग लहंगा, सो ब्लाउज है ना वो फुल स्लीव का है. तो मैंने सोचा चलो ठीक है इतनी काफी है, बैंगल्स भी आएगी तो ज्यादा ऊपर तक मेहंदी का कोई मतलब नहीं बनता है. वैसे तो मुझे पूरे हाथ भरे मेहंदी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है बट कोई सेंस नहीं बनता बेसिकली उसका, तो मैंने इसलिए इतनी ही लगवाई है एंड बहुत ही प्रीटी मेहंदी लगी है. सी हर नेम इज भूमि, सो ये सिम्मी की फ्रेंड है तो सिम्मी लेकर आई है अपने साथ एंड इन्होंने मेरी एक बार पहले भी मेहंदी लगाई थी, मुझे डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा लगा, काफी अच्छी फिनिशिंग है सो मुझे काफी पसंद आई. सो इसलिए अभी मैं लगवा रही हूँ, उसके बाद मम्मी लगवाएगी शायद, अगर मम्मी लगवा ले या मेरी मम्मी कल लगवाएगी, पहले मैं फ्री हो जाऊँ मेहंदी से. एंड इससे पहले मार्केट वगैरह भी होके आए थे, तो अब जब तक आप लोग मार्केट का ब्लॉग देखो थोड़ा बहुत, जब जो जितना भी मैंने शूट किया है उसके बाद आगे का भी दिखाते हैं. बस यही डिजाइन था, काफी सुंदर है वो लगा हुआ, तो मैं मानता हूँ कि ज्यादा सुंदर लग रहा है. वो पाइपिंग दिखा देना, चलो कर दे. तो ब्लाउज के लिए कितना चाहिए, बाजू के लिए और कमर के लिए? एक बटन दिया था ना भैया मैंने, वो नहीं आने का, बाजू पे और कमर पे ना. हाँ, दो मीटर थोड़ी मिले चाची के लिए, मम्मी के लिए चाहिए, मतलब दो मीटर लग रहा है, दो मीटर दे दो. किसने की बताई आपने? बता दूंगा इतने पसंद करो, डिजाइन कौन सा लगा, एक एक नहीं, ये वाली कर दो, नहीं ये तो ये भी लग रही है भैया. पाइपिंग देना लाइट गोल्डन कलर की, जैसे वो है ना जे रानी कलर से ऊपर है वो, मैं आपको दिखा दूंगा कलर की, और ये डार्क गोल्डन नहीं है मेरे पास, वो ये है. भैया पहले हमें फ्री कर दो प्लीज, कपड़े में दवाई पहले हमें फ्री कर दो प्लीज. मार्केट गए थे हम लेस वगैरह लेने के लिए, मम्मी के ब्लाउज पे लेस वगैरह लेकर आए हैं और मेरे दुपट्टे के लिए लेकर आए हैं. तो जो मेरे दुपट्टे में जो लेस थी ना, वो ना अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने वाली लेस चेंज करी है और फुल स्लीव्स लगवाई है. जो बेसिकली क्या था ना, जो मेरे जो ब्लाउज का जो पैटर्न था ना वो सेम ही था जो मैंने धैर्य के बर्थडे पे जो ब्लाउज मैंने वियर किया था लहंगा वाला स्किप किया, और जब मैंने फुल स्लीव का पहना, मेरा बहुत मन था कि मैं फुल स्लीव का पहनूं, तो सेम कपड़ा तो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला. बहुत ढूंढा मैंने, लास्ट में ढूंढा, चांदनी चौक ढूंढा, अपने यहाँ की सारी मार्केट ढूंढा, सेम नहीं मिला, और मिला भी तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, तो मैं आपको कभी आराम से बताऊंगी, अभी नहीं. तो बेसिकली अनफॉर्चुनेटली मुझे नेट का ही लगाना पड़ा इसमें, एंड दिखाती हूँ मैं कभी कभी नहीं, आई मीन इस ब्लॉग में दिखा दूंगी, बाद में दिखा दूंगी, जब देख लूंगी तभी भी देख ही लोगे. वैसे भी अलग ब्लॉग आफ्टर एंगेजमेंट ही आएगा, उससे पहले मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज इतना टाइम ही नहीं है, बिकॉज एक दो ब्लॉग ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो मैं अभी तक अपलोड ही नहीं कर पा रही, तो इसीलिए. एंड प्लीज इग्नोर माई
मेसी फेस बिकॉज आई नो इस टाइम में बहुत ज्यादा वियर्ड लग रही हूँ बिकॉज ना बाल बहुत ज्यादा वियर्ड हो रखे हैं यार. कितने कल फेशियल वगैरह करवाया था ना तो बाल बहुत ज्यादा घिसी घिसी हो गए यू नो क्रीम वगैरह से अजीब से हो जाते हैं तो इस वजह से. और आज थर्सडे था तो वैसे भी वॉश नहीं कर सकती थी मैं हेयर तो मैंने कहा चलो ठीक है फ्राइडे को वॉश करेंगे इसलिए. इधर इधर हाय गाइस. सो टाइम अब हो रहा है 12:45. मेहंदी लग चुकी है मेरे, सूख भी चुकी है, मैं हटा भी चुकी हूँ और वॉश भी हो चुकी है. सो एक्चुअली क्या हुआ, मेहंदी लगवाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी यार, क्योंकि ना मार्केटों के चक्कर बार बार लग रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी तो मैं सो गई थी. उसके बाद मैंने व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं किया, मैं सो गई उसके बाद. एंड देन उसके बाद मैंने धैर्य को खाना उन्हें खिलाया तो भाई किसी और के लाइक सिम्मी के लगा रहा था नेल्स वगैरह. सो मैं अब लगवा रही हूँ. 12:45 हो रहे हैं एंड एक्सटेंशंस लग चुकी है, बस शेप वगैरह बन रही है अभी फिलहाल. एंड मेहंदी कुछ इस टाइप की लगी है, देख सकते हो कलर अभी नहीं आया बट कल तक आ जाएगा. ठीक है तो इस टाइप की लगी है एंड प्रोसेस अभी चल रहा है नेल्स का. देखते हैं किस टाइप की, मैंने वैसे पिंटर से डिज़ाइन निकाला हुआ है. तो मैंने पिंट्रेस्ट से वैसे डिज़ाइन निकाला हुआ है कि बेसिकली मुझे किस टाइप की नेल आर्ट चाहिए तो मैंने दिखा दी है तो उसी वही वाली लाइक बनाएगा भाई. अभी फिलहाल नींद आ रही है बहुत ज्यादा, मैं सो गई थी एक डेढ़ घंटा सोई थी ना मम्मी, मैं एक डेढ़ घंटा मैं सो गई थी उसके बाद भी, पर मुझे अभी भी नींद आ रही है. मैंने कहा फटाफट से हो जाए तो फिर मैं सोऊं बिकॉज कल मेकअप्स हैं तो मुझे जल्दी ही घर जाना है, वहां जाके भी सब देखना है. क्लाइंट की टाइमिंग अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है मुझे, वैसे तो उन्होंने 1 बजे की टाइमिंग दी थी मुझे, देखते हैं बाकी क्या टाइमिंग होती है उनकी. सोना सो बस ऑलमोस्ट डन है, होने वाला है ये. मैं क्रोम नेल्स करवा रही हूँ एंड दिस इज माय इंस्पिरेशन. ये कुछ मैंने इतना पिंटरेस्ट से निकाला था एंड मुझे काफ़ी पसंद आया ये वाला. एक फिंगर पे ग्लिटर्स हैं एंड बाकी क्रोम है सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था. सो यही करवा रही हूँ मैं फिलहाल.